वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। वीडियो लेट जाने के लिए सॉरी आप सबको। और आज का जो वीडियो, आज की वीडियो में ये है कि आज गणपति जी का लास्ट डे है, उसका ये छोटा सा क्लिप है। गणपति विसर्जन के बाद हम लोग गए थे मॉल में कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि हम चैनल खोलने वाले हैं, तो हम चैनल की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हम मॉल जैसे ही पहुँचे थे, यानी कि मेरा बेबी सो रहा था, और गाड़ी पार्क करते टाइम इन भाई साहब, यानी जो अपना रुमाल से चेहरा ढक रहे हैं, इन्होंने हमारी गाड़ी को ठोक दिया। और ठोकने के बाद भी इन्होंने अपनी गलती ना एक्सेप्ट करते हुए ये भाग रहे थे। इनको मैं पकड़ के लेके आई, और इन भाई साहब को जैसे ही मैं पकड़ के लेके आई, तब भी ये बहसबाजी कर रहे थे। सॉरी बोलने की जगह ये लड़े जा रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। ऊपर से एक इनके साथ बच्ची भी थी। इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि बच्ची के साथ होते हुए ये ऐसी ड्रामे और ऐसी नौटंकी कर रहे थे। तो ये वीडियो में मैं इनका चेहरा हाइड कर देती हूँ, क्योंकि इनकी भी एक कोई फैमिली है, तो मैं नहीं चाहती कोई प्राइवेसी इनका ख़राब हो। लेकिन इन भाई साहब के जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दुनिया में जो इस टाइप की हरकतें करते हैं। तो प्लीज़ अपनी गाड़ी को सही सलामती से चलाइए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली है ना, तो सामने वाले की भी फैमिली हो सकता है, आपकी लापरवाही से किसी की फैमिली को हर्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने अपना डाइटिंग स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे बाबू की बॉल है, ये बॉल से खेलता है बाबू अपनी। तो यहाँ पे पापा टीवी चला देते हैं बाबू को, जिससे कि बाबू टीवी देखता रहता है थोड़ी देर। और यहाँ पे उसके टॉयज वगैरह रखे हैं। टीवी नहीं दिखाना चाहिए बच्चों को, लेकिन पापा भी बच्चे को ज़्यादा संभाल नहीं पाते, तो इसलिए वो थोड़ी बहुत टीवी चला लेते हैं। तो यहाँ पे हम रिलायंस मार्ट आए हुए हैं, और रिलायंस मार्ट में थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, क्योंकि हमें बाहर जाना है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि छोटी छोटी क्लिप ऐड करके मैं वीडियो बना रही हूँ। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबने देखा था कि मैं आज गई थी रिलायंस मार्ट, और रिलायंस मार्ट से अभी आई हूँ। मतलब अभी क्या, मतलब हो गया टाइम 10 बज गए। हम लोग गए थे 7 बजे रात, शाम को 7 बजे गए थे, और 10 बजे हम लौट के आए। तो छोटी मोटी शॉपिंग की है वहाँ से, लेकिन कहते हैं ना कि भाई छोटी मोटी शॉपिंग करो तब भी बिल बड़ा ही पड़ता है। और फाइनली आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम तो नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा बहुत जो था वो सामान वगैरह लगा पाया, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाई। और इस टाइम आप मेरी किचन देख सकते हैं, तो जो मेरी किचन का हाल है वो बहुत ही गंदा है। और इस टाइम मेरी किचन में कॉकरोच भी हो गया, तो हमने कॉकरोच के लिए ये इसका एडवर्टाइजिंग चल रहा था काला हिट का, तो ये हमने ऑर्डर किया है। ये एंटी रोच करके इसका है, अब देखते हैं ये कितना असरदार हो कितना नहीं है, और इसको यूज़ करने के बाद ही मैं आपको बताऊँगी कितना असरदार हो कितना नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं एक ही दो जगह लगाया हुआ है, और आप सबको बताना चाहती हूँ कि डेली जब आप कोई अपने घर में काम या करने वाला लगाते हो, यानी कि हेल्पर वगैरह कोई लगाते हो, तो उसके नाटक शुरू हो जाते हैं, उसके ड्रामे चालू हो जाते हैं। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था बहुत टाइम से, इसलिए हमने कुछ डिसीजन लिया है कि नहीं, इस बार हमें अपना काम खुद ही करना है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। क्योंकि दूसरे पर निर्भर रहते हो तो दूसरा हमारा है ना काम तो अच्छे से करता नहीं है, और सेकेंड क्या चीज़ें बिगाड़ के रख देता है। तो इस बार हमने डिसाइड किया है कि अब प्रॉपर मैं अपना काम खुद करूँगी, यानी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए जो हम दीदी लगाते थे उसकी वजह से, क्योंकि उनका वो हर चीज़ में आपके बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ झाड़ू नहीं मारेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बहुत नखरे झेलने पड़ते हैं इनके। तो भाई इतने नखरे तो मैं नहीं झेल सकती हूँ, जो झेल पाता हो वो झेल ले, क्योंकि इतना काम नहीं होता जितना हम उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। क्योंकि हाल के बर्तन अगर निकालेंगे तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं उगते, और फ्लैट तो आप जानते हैं कितने छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, फिर डेली नई बाई रखना, फिर उसको सारा काम समझाना, ये सारी चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती हैं। इससे अच्छा है कि अपना काम स्वयं कर लो, वो ज़्यादा बेटर हो। और भी मुझे, जैसे कि आप सबको पता है मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, अभी मेरा जो वेट है मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई अपना वेट देख के कि मेरा वेट फाइनली इतना कम हो तो पाया। मतलब मैंने अभी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा वेट है ना थोड़ा सा लाइन पे आ गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी वेट मशीन है, तो जो पहले मेरा वेट था 67.9 था वेट, और मेरा अभी 66 टोटल वेट है मेरा।
अगर मैं कुछ वैसा खा लेती हूँ तो आपको बताऊंगी कि मैं क्या डाइट कर रही हूँ, क्या मैं करने वाली हूँ, कैसे मैं अपना वजन लॉस मतलब अपना वेट लॉस कर रही हूँ। और वेट लॉस तुरंत नहीं करना चाहिए, अगर आप फीट कराते हैं, अगर आप मम्मी हो खास तौर पे, तो तुरंत वेट लॉस कराने के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हो तो कम से कम कोशिश करो कि 1 साल तक आप अपना फीड करा सको, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। वही दूध माँ बच्चे के लिए आगे जाके उसके लिए कहते हैं ना गुड़ मंत्र बनता है। तो चलिए अभी तो फिलहाल मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है और मुझे खाने का मन कर रहा है मैगी, तो मैं मैगी बनाऊंगी। अब आप लोग सोचोगे डाइटिंग कर रही हो तो डाइटिंग में मैगी खा रही हो तुम, तो मैं मैगी सिर्फ एक खाऊंगी, इसके अलावा नहीं खाऊंगी मैं। एक मैगी, ये मैंने पानी रख दिया तो ये बॉयल होगा। मेरे ट्राईपॉड पता नहीं सारे के सारे मैंने कहाँ रखे हुए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग बोलते हो ना कि काम करते हुए भी वीडियो शूट कर लिया करो लक्ष्मी, अपने काम करो, डेली ब्लॉगिंग डालो, तो मेरा पता नहीं ट्राईपॉड कहाँ चला गया। ट्राईपॉड के बिना है ना थोड़ी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है। बड़ा वाला ट्राईपॉड है ना सेट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरे यहाँ इतना सारा सामान है, हम वो ही नहीं सेटल कर पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि घर चाहे कितना भी बड़ा ले लो, सामान जब होता है ना, बच्चा होता है ना, तब बहुत सारा सामान हो जाता है, उसी की चीज़ इतनी हो जाती है। तो इसीलिए अब देखते हैं कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैं नमक डालूंगी, ये नमक का डिब्बा बाहर से गंदा हो रहा है। आजकल हमारी दीदी खाना बना रही है ना, तो कुछ भी साफ सुथरा नहीं रह रहा है। जब मेरे हाथ में आएगी किचन तभी रह सकता है। तो चलो पहले डालते हैं नमक। हाँ अभी इसमें मैं चीज़ डाल दूँगी, मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चीज़ हर चीज़ में खा सकती हूँ, चाहे वो मैगी हो चाहे किसी चीज़ में भी हो। तो यहाँ पे मैंने चीज़ डाल दिया और इसमें नमक मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि नमक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है नमक ज़्यादा खाना, ज़्यादा मतलब नहीं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसमें डालूँगी मैं चिली फ्लेक्स। मेरा काम बहुत जल्दी का होता है। ऑर्गेनो, ऑर्गेनो आप सोचो कि पिज्ज़ा में ऑर्गेनो कौन डालता है, तो मैं पिज्ज़ा में करनी सॉरी मैगी में ऑर्गेनो कौन डालता है, मैं डालती हूँ चीज के साथ। इनमें सही इन शेप में थोड़ी संयम की कमी है। हाँ संयम की कमी नहीं है, शेफ में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। अरे यार पानी ज़्यादा कर दिया तो पानी सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको अभी अपन थोड़ी सी धीमी आंच में रख देते हैं, तब तक सूख जाएगा पानी। मेरा सारा काम डन हो चुका है, मैगी मेरी बन जाएगी, उसके बाद मैं आराम से इंजॉय करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आगे का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो ज़रूर वॉच कीजिए।